दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञान भंडार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे दूध के साथ किन खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है। दूध पीना सेहत के लिए अति आवश्यक बताया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, दूध आपके शरीर को नुकसान भी पहुँचा सकता है। दूध का इस्तेमाल अगर कुछ गलत कॉम्बिनेशन के फूड आइटम के साथ किया जाए तो ये जहर के समान हो जाता है। यहाँ तक ये आपकी तबीयत भी बिगाड़ सकता है। बच्चों से लेकर बड़ों को दूध पीना काफी पसंद होता है। लोग दूध के साथ कुकीज, फल या कुछ अन्य फूड खाना पसंद करते हैं। आयुर्वेद के मुताबिक, अगर हम गलत फूड के साथ दूध का सेवन करते हैं तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हो सकता है। जानिए वो कौन से फूड है जिनका सेवन दूध के साथ नहीं करना चाहिए। एक, दूध के साथ मछली का सेवन। दूध के साथ मछली का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। ये दोनों मिलकर पेट में जहरीला रसायन बनाते हैं। ये दोनों ऐसे अम्ल बनाते हैं जिससे पेट में तेज दर्द, ऐंठन और बदहजमी की समस्या होने लगती है। दूध और मछली का साथ में सेवन आपके हृदय के लिए अच्छा नहीं है। दो, दूध के साथ उड़द की दाल। उड़द की दाल खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए। ऐसा करने से पेट में गैस बन सकती है, नतीजतन हमें पेट में दर्द की समस्या हो सकती है। बाई पैदा करने वाले सभी चीजों को खाने के बाद में दूध पीने से परहेज करना चाहिए। ऐसा करना आपको सेहतमंद रखता है। तीन, दूध के साथ खट्टी चीजों या फलों का सेवन। दूध में खट्टा पदार्थ डालते ही वह जहर के समान बन जाता है, इसलिए दूध के साथ खट्टे फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। खट्टे फल जहां बॉडी को ठंडक देते हैं, वहीं दूध शरीर को गर्म रखता है। इन दोनों का प्रभाव अलग अलग होता है, इसलिए दूध के साथ खट्टे फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। चार, दूध के साथ नमक। दूध के साथ नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। इन्हें साथ में लेने से सफेद रोग हो सकता है, विशेषकर पुरुषों में। दूध के साथ चिकन, मटन लेने से भी बचना चाहिए। दोनों ही प्रोटीन से भरपूर होते हैं, शरीर इन्हें डाइजेस्ट नहीं कर पाता, जिससे आपको परेशानी हो सकती है। पाँच, दूध के साथ दही का सेवन। दूध और दही एक ही पदार्थ से बनते हैं, लेकिन इनका सेवन साथ करना जहर के समान है। ये अपच का कारण बन सकता है। दूध में बैक्टीरिया द्वारा क्रिया करने पर दही का निर्माण होता है। जब आप इस कॉम्बिनेशन को एक साथ खा लेते हैं तो ये पेट में जाकर रिएक्ट करता है। इसे एक साथ लेने पर त्वचा से जुड़े रोग हो सकते हैं। दूध एक पोषण भरा फूड है जो काफी पोषक तत्वों से भरा होता है, इसलिए दूध पीने का सबसे आसान और अच्छा तरीका उसे बिना किसी फूड या उसमें बिना कुछ मिलाए पीना है। खासकर अगर गाय का दूध हो तो शहद, गुड़ या फिर चीनी को स्वाद बढ़ाने के लिए मिला सकते हैं, और इससे उसके पोषक तत्व भी बढ़ते हैं। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो लाते रहे। धन्यवाद दोस्तों।